तो मुझे अभी किसी ने कहा कि इसको घुमा घुमा के आने से पाप धो सकता है, तो मैं उसको घुमा घुमा के आऊँगा अभी पाप धुल जाएगा। टोटली एग्जॉस्टेड फील हो रहा है क्योंकि अप ही अप चल रहे हैं, अप ही अप चल। सो नमस्ते अंकल आंटी, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आया हूँ आज सिलीगुड़ी में, एक बुद्ध मंदिर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे क्लिप्स ले लिए भाई, मतलब चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, मतलब खुद का चेहरा कम दिखाऊंगा बट एरिया को दिखाऊंगा अच्छे से, तो देखो। तो भाई वो सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था मैं, सो मैं चला आया मोनेस्ट्री टेम्पल देखने के लिए, जो शायद एशिया का कुछ नंबर में पड़ता हुआ बड़ा मोनेस्ट्री टेम्पल बुद्ध मंदिर। तो ये एरिया देखते ही लाइक ऐसा हो गया कि वाह, ऐसा भी बुद्ध मंदिर हो सकता है। मतलब चारों तरफ एक पीसफुल फील आता है, वाइब्स आता है, प्लस आप अगर आओगे तो आपको लाइक सब कुछ कैप्चर करने का मन करेगा। मैं ब्लॉगिंग कर रहा था हाँ, पर मुझे मन ही नहीं किया कि मैं खुद को दिखा के कुछ करूँ, मुझे बस दिखाना था आप लोगों कि मैं देख के रहा खुद मेरे आँखों से। तो ऐसा कुछ दिखता था एंड अंदर जाने के बाद आई वॉज लाइक ओप्स, सच ए ह्यूज आर्ट। मतलब कितने अच्छे आर्टिस्ट है भाई इंडिया में, वो तो पता चला मुझे घुसने के बाद। इन 10 सेकेंड्स अभी मैं घुसने वाला हूँ और आप मेरे आँखों से देखो कि मैंने क्या देखा उस टाइम। पर्दे को हटाते ही मेरे आँखों के सामने सबसे बड़ा एक बुद्ध का मूर्ति एंड जो व्यू साइट का था लाइक कभी मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा ऐसा। बुद्ध मंदिर मोनेस्ट्री टेम्पल हमारे वहाँ भी है पर ऐसा नहीं है, देखो क्या ग्लो है उसमें, इसका आर्ट देखो, अब साइट में देखो, हर जगह देखो, वो जो ग्लो है, वो जो पीसफुल एक वाइब्स आता है, वो जो रिलीजन को लेके एक अच्छा फील आता है। मतलब मुझे उतना हिंदी वर्ड नहीं होता पर एक अच्छा लगता है, लाइक पुण्य आ जाता है वैसा टाइप का। फिर मैं धीरे धीरे और एक्सप्लोर करता हूँ अंदर से ऊपर से हर जगह को, मैं खुद कैप्चर कर रहा मोबाइल में। एंड ये मैं ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बस मैं ये देखूंगा एज ए मेमोरी कि हाँ गया था भाई सिलीगुड़ी, गया था दार्जिलिंग जाने की वजह से। तो मुझे अभी किसी ने कहा कि इसको घुमा घुमा के आने से पाप धो सकता है, तो मैं उसको घुमा घुमा के आऊँगा अभी पाप धुल जाएगा। जितना सुंदर एंड पीसफुल वाइब्स अंदर आ रहा था उतना ही बाहर आ रहा था, क्योंकि बाहर में बुद्धिस्ट के जो बच्चे थे लाइक फुल अपने क्लोथ्स में यूनिफॉर्म में, अलग ही अच्छा लग रहा था देख के। एंड फिर निकलने का टाइम हो गया, मोनेस्ट्री टेम्पल का जो वाइब्स था वो ख़त्म हो रहा था, दुख लग रहा था कि अच्छा आ रहा हूँ। तो पर यही नहीं, वीडियो बाकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहीं पर, तो मैंने जो लास्ट क्लिप को दिखाया मोनेस्ट्री टेम्पल का, एक झटका में दिखा दिया क्योंकि वो जगह इतना सुंदर है। अभी डे सेकंड हो गया, तो कल हुआ था वो चीज़ सीन, अभी आज निकल गए। फिर डे सेकंड में मैं निकला थोड़ा टहलने के लिए कार में मामा के साथ, अंकल के साथ। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से 4 किलोमीटर दूर है, बट हम दार्जिलिंग नहीं जाएंगे, बट दार्जिलिंग ऑन द वे जाएंगे। अगर 2 किलोमीटर भी आप सिलीगुड़ी से जाए तो दार्जिलिंग की तरफ, तब आपको वाइब्स पता चल जाता है। एंड हम जा रहे थे उस टाइम, एंड जाते जाते जो मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया लाइक मिलिट्री कैंप है यहाँ पे, अगर आप आते हो तो आप देखना, हर किस्म का चीज़ है यार। मतलब सामने कौन बैठा है वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस खिड़की से देखते जाओ, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, मज़े ही मज़े है भाई। बस देखना, कुछ भी ऐसा चीज़ जाएगा नहीं कि जो लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है, सब देखना है, सब देखते रहना है, बोर होंगे ही नहीं आप। 7 घंटे घूम लो, 8 घंटे घूम लो, बोर नहीं होने वाले, मतलब बहुत। एंड मैं ये वीडियो वॉइस ओवर में कर रहा हूँ घर में छत में, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि मैं बस वीडियो करते जाऊँ, घर में आकर जो होगा देखा जाएगा। एंड अभी मैं शायद ही और अच्छे से वॉइस ओवर दे पाऊँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील किया है जाने के टाइम, जाने के टाइम जो वाइब्स मुझे आ रहा है मैं अभी आपको बता पाऊँगा, शायद ही मैं तब बता पाता कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है।
हम जितना ऑन द वे दार्जिलिंग जा रहे थे, हाँ ये दार्जिलिंग नहीं है पर दार्जिलिंग ही है क्योंकि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड जितना मैं जा रहा था क्लोज दार्जिलिंग के, उतना ही पहाड़ मेरे क्लोज आ रहे थे, लाइक माउंटेन्स, हिल, नहीं पता हिल या माउंटेन पर क्लोज आ रहा था। फिर हम एक व्यू पॉइंट में पहुँचे, फिर जो मैं खुद व्यू देख रहा था वो आप देखो, मतलब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस देखो। लाइक ठीक ही है यार, दार्जिलिंग नहीं गए तो भी क्या, ऑन द वे भी ठीक है, बहुत ठीक। फिर मेरे साथ गई थी अपनी दीदी, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा ऐसे कर दो पीछे से, अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग अच्छा होता है। तो बस मैं ऐसे चल रहा था, उसको कह रहा था कि भाई एंगल मिलाओ, बड़ा व्यू देखो, एंड सामने एक पॉइंट था, बस बाउंड्री में देखो। सो गाइस अभी हम लोग दार्जिलिंग ऑन द वे में है, दार्जिलिंग हम पहुँचे नहीं, जाना भी नहीं, हम जो ऐसे घूमने आए क्योंकि मम्मी घर पर। तो अभी चलो थोड़ा ये व्यू दिखाता हूँ आपको। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जब जाओगे ना माउंटेन जो रीजन होता है, जो रास्ते होते हैं, रोड जो टर्निंग होता है ना, हर टर्निंग में आपको दो नज़ारे देखने को मिलेंगे, मतलब एक गया तो एक आ गया। तो फिर वो व्यू पॉइंट में मैंने फ़ोटोशूट किया थोड़ा, तो फोटोज़ भी देख लो यार, मतलब हीरो हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर, हैंडसम हंक, हाय हाय हाय। तो गाइस अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, आप बस पहाड़ों का व्यू देखो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आज मैं शर्ट पहन के चला गया था इतने ठंडे जगह में, लाइक आप देख लो पता चल जाएगा। सो हेलो गाइस, लोकेशन का नहीं पता बट बहुत ऊपर आ चुका हूँ एंड बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। So he is my cook. Hey, chatty.